ये पहली बार. No, that was, yeah, ये पहली बार. पहले की है ये इमेजेस और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो राइट. आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. But why you were tolerating all this? Because I still love him. Because I still do. And I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को देखो. This is last night. यहाँ पे निशा जी निशा थोड़ा आ रहा है दिखा रहा है दिखा You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ है कुछ भी है बोल दो. Let's sort it out. Let's see it separated. It's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने क्या तुम बहुत ही गंदे आदमी हो तुम इतने गंदे हो. I said everything that I should have जो unnatural नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा पर मैंने bottle up करके रखा था वो इतने दिनों से. So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या you know I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा लगा होगा ये शायद हो जाएगा you know however. And then when the blood started flowing I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. तो उन्होंने कहा कि बेटा you're not weak. मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं. पर ये एक दोनों पता है फिर दिक्कत हो गई. हिंदी में राइट. तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है मेरे साथ करण के साथ सबके साथ है. इट्स एक्सट्रीमली एम्बेरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं बाइट्स के लिए मिले हैं वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं एट्सेट्रा. मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े. मैं चाह नहीं रही थी 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को 9 साल शादी को हो गए हैं. इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला राइट. बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले जब करण चंडीगढ़ में थे तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ मैं कितना नहीं बोलूँ बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड हुई मैं बोल पाऊंगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल जो मुझे नहीं पता था. एंड अचानक मैंने उनको देखा एज यू नो जो भी मेरा प्रूफ था मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है. तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक
यू नो कभी होता है यू गेट इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज लाइक नो आई लव समवन एल्स आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विद हर. मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो इसे वो दिल्ली से, और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपने फैमिली से वो दूर रह सकें. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए. जब ये हुआ भी आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइफ्स होंगी. पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है. तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है. फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला. हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबज छोटा है. तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है. तो उन्होंने कहा कि बेटा मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं. तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट. तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे या यू नो तो ठीक है, यू नो वील वर्क ऑन इट. मैं वापस चली जाऊँगी. और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन. मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ. हमारी बात हुई, सब हुई. लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई. उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट. वो सब करण ने कुछ नहीं किया. मैंने बहुत एफर्ट्स डाले. आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट. अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है. दूसरी चीज़, करण्स बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 ईयर्स, दिस इज नॉट न्यू. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफिकल्ट. मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं यू नो. ऐसी ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है, और हमारा बेबी भी है अभी. तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके. और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century. आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई टॉक अबाउट यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड, यू नो मॉम शेमिंग, या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके. कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? एंड फिर सी देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व. मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी. अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी. ऐसा नहीं, मैं पूछ रहा था आपसे. सो द पॉइंट बी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे, एंड यू शुड नो दिस राइट. एनी वे आई विल कम टू कल क्या हुआ. कल ये हुआ कि एक महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे, और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज टू मच नाउ, और शायद हमें डिग्निफाइड वे में अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए, लेट्स डू अ सेपरेशन. तो फाइनली करण ने बोला हाँ ओके. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने अपना लॉयर हायर किया, मेरे भी लॉयर है. मृणालिनी देशमुख इज़ माई डिवोर्स लॉयर, ऋषिकेश मुंदरगी इज़ माई क्रिमिनल लॉयर जो बहुत बाद में पिक्चर में आए. ही इज़ ऑन हियर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषिकेश. तो कल हमारी बहस हुई. इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से, 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे. उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि यू नो ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस.
और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया, अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट टू बी विद मी इट्स ओके, यू नो आई डोंट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे, मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली फिजिकली मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था, बट एनीवे फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई, बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं, क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएँ हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज था, बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को, ठीक है। सो उसके बाद विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से, मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि वो विक्की को मानते हैं, कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ, आई डोंट गेट इन टू दोज डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाया, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर, इवन जो आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बींग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही सो स्मार्ट। घर में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में लगे, इन आवर बेडरूम देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे ही यूज टू ऑलवेज बिहेव बैडली विद मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ सीसीटीवी कैमरा जब से वो आए थे, बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे। फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स। एनीवे वी वर इन द रूम, आई टोल्ड करण दिस इज़ नॉट हैपनिंग, यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज यू नो इट्स मी एंड द चाइल्ड एंड एज एक्टर्स वी आर इनकन्सिस्टेंट। मैंने करण को बोला जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है, खैर अभी यू गाइज़ आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। करण टुक ऑल माई ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इनटू टेकिंग माई ज्वेलरी, आई गेव इट टू हिम बिकॉज आई थॉट ही इज़ माई हस्बैंड, राइट। पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। ही सेड यू नो वी आर अंडर सो मच फाइनेंशियल प्रेशर, घर है ये वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, आई एम विथ यू। सो इन माई फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन सपोर्टिव, इवन मैंने कहा कि लुक वी जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन अ इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है। एंड करण हैज़ बिन एक्सट्रीमली बैड वेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट। ही सेड अगर मैंने उसको बोला कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं, जो मैंने करण को मना किया था मत करो, यू नो देयर इज़ अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग, यू नो एंड नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो आई एम विथ यू। फिर मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है, तो मैंने बोला ले लो फिर आप मेरे पास जो, मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो। सो ऑल माई स्त्री धन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरी थिंग दैट आई हैव, आई गिव हिम एवरी थिंग एंड आई डिडंट बैट एन आईलिड। और उसके बाद वो ये बोल रहे इट्स अबाउट फ्रॉड। जब मैं करण घर खरीदने के लिए थी, सॉरी घर खरीदने के लिए ज्वेलरी दी थी, घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है। अच्छा।
EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वो ही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. आई डोंट वांट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज़ इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी? इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे कुछ? हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहली बार? नो नो, दैट वाज, या ये पहले. आई डोंट आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू लाइक शो इट. सो आई विल डू इट. या यू वांट एनी ऑफ अस? थोड़ा सा सर आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज. या तो सो दीज आर द इमेजेस सामने, इधर जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है? बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू, एंड आई वाज स्टूपिड. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, ab thoda sa center mein aa jaye kyunki wo camera hai, fir madam ko dekho. This is last night. Yahan pe rakho. Sir, nicheh thoda. Aa rahe hain. Dikha rahe. Yahan pe. Nicheh. Are madam, haath thoda niche rakhna. Are udhar pe. Nicheh, nicheh. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. Agar aapka kisi aur ke saath kuch bhi hai, bol do, let's sort it out. Let's see it separated. It's okay. You don't have to make it so dirty, but he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. आई सेड एवरी थिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा, लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो. हाउएवर एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड, व्हाई डू यू हेट मी सो मच? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड, एंड द पुलिस केम होम. एंड उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कॉल्ड माई लॉयर बिकॉज आई डिडंट नो. करण ऑल्सो रिवील दैट यू कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट, यू आर वेरी अग्रेसिव. हाँ, आप बाइपोलर हैं, ऐसा भी कहा है उन्होंने. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. I want to know from you and from you what is bipolarity. No, एक इल्जाम है. कैसे है? इल्जाम को इल्जाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए. नहीं, ये करण का स्टेटमेंट हमने. करण का स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सेइंग यू वर वेरी अग्रेसिव व्हाइल डेटिंग, आल्सो यूज्ड टू नो पोस्ट. डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ योर? कि उन्होंने, आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा भी कहा? सी, आई टेल यू व्हाट, दीस आर द थिंग्स दैट हैपेंड. ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू से दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से हां मैंने किया. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कॉमेंट में मैं क्या बोलूँ? इट्स नेचुरल ही वॉज गोइंग टू से दैट. दिस इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड हूं. मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. एंड दैट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक किया. आई नो ही इज सेइंग दैट, बट व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम एन एक्टर, माय फेस इज प्रेशियस, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई वुड आई डू दैट? दूसरी चीज, लेट मी टेल यू अबाउट बाइपोलैरिटी. ये जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई थी, बाइपोलैरिटी इज अ मूड डिसऑर्डर. इट हैपेंस ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रामा,
and it's genetic sometimes, okay? I was diagnosed with bipolarity. I'm not going to lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a pagal, jaise wo bol raha hai, okay? It's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content, I write about things, I talk about things, okay? I don't have to prove that. And like I said, I'm not here to prove anything, right? Jo pehli images maine aapko dikhai, that was of 2014. Uske beech mein bhi bahut kuch hua. I also have a lot of proof, but like I said, everything I can't show to you all. We had lost our child. Agar aap logon mein se kisi ko pata ho ye baat ki 2014 September mein I was 5 months pregnant and I lost my child. And aap logon ko pata hoga, maine recently ek moms group banaya hai for women who've lost their children. You know, come and talk, kyunki jab mujhe us support group ki zarurat thi to wo support group nahi tha hamari country mein. तो जब मैंने बनाई लॉस दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी. आई वॉन्टेड टू गो एंड टॉक टू माई थेरेपिस्ट बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रामा व्हेन अ वुमन गोज टू यू नो व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड इन द मिडल ऑफ इट हस्बैंड इज बीटिंग यू इज इमोशनली अनअवेलेबल ही वॉज टोटली डिटैच्ड यू नो एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट. हालांकि करण ने मुझे रोका था, ही नेवर लेट मी गो टू द जिम, हर चीज़ में ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग. सो आई वेंट टू द डॉक्टर. आई सेड दैट not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today mental health is given so much importance. Jo aaj se shayad 5 saal pehle mujhe koi question puchta to main bolti ha mujhe bhi nahi pata hai, jo ki actually you know 2014 mein hi hua hai. And I was detected with a depressive phase of bipolarity, theek hai, and I took medication for it for about 2 to 3 months and it was fine. Ye kab ki baat hai, 2014 ki. Uske baad I've got that because मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this is. It just hurts me. It just shocks me ना कि आदमी कोई कितना fake हो सकता है. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? It was my last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription from my doctor. It was just a medication for anti-anxiety and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And also, what about the child custody? The 2 months that you will live. What? The 2 months that you will live. Wait. So Karan has been extremely ignorant. जैसे कि मैंने आपको बताया कि when I lost a child, a woman needs therapy. When woman needs to talk to somebody, right? He stopped me. I wanted to work out. He stopped me. छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइक आई गॉट हर्ट घर पे, अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले. एंड आई केप्ट सेइंग मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे एक्सरे करना है. अब आप लोगों को लगेगा अ स्ट्रॉन्ग गर्ल लाइक यू, व्हाई आर यू टेकिंग परमिशन, बिकॉज करण हैड ऑल कंट्रोल. मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज टू डू, वेदर ही वुड पे लोन्स, वेदर ही वाज डूइंग वट एवर. अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया. आई डोंट नो नाउ वट इज द रीजन, राइट? Whether the reason was he's going and meeting another person, I don't know what it was. So these, and 2 mahine tak I lived in that fractured finger. It was a chip of a bone or something, 2 mm bone, and that you can confirm with my doctor, Dr. Ashish Jain, who's an orthopedic. And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know Kavish? No, Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. मतलब करण 14 days करण यहाँ थे. काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 वीडियो कॉल्स किए होंगे, वो भी मेरे पूछ पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है. He knows that papa is here, आप उससे बात तो कर लो. So what else can I say about this? Kavish is perfect, he's fine. Last month जब बात होती थी कि रिश्तों में थोड़ा सा कटाव आ गया है, तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता.
मैं नहीं समझी कैसा ना होता, मतलब ये सब रूमर्स थी आपने कहा नहीं, कैसा ना होता कि मेरे मुझे चोट नहीं लगती, वो तो कई बार ही होती थी। सी देयर इज नो व्हाई एंड देयर इज नो रीजन व्हाट व्हाई आई डिडंट डू इट, बिकॉज़ आई लव्ड हिम, बिकॉज़ आई सॉ ही हैड एन अफेयर एंड आई वाज नॉट रेडी टू लेट गो बिकॉज़ आई लव्ड हिम। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई डोंट गिव अप ऑन पीपल इजीली। यस यस आई वाज एंड दैट्स व्हाई आई वेंट थ्रू द डिप्रेसिव फेज इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I was, and my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots to matlab jaise Rohit hai, Munisha, these are close friends, right? Munisha sir, I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. Aap logon ke liye ye shocking hai, but mere jo close friends hai, unko pata tha ye ho raha hai. Meri mummy ko nahi pata tha, because obviously aap apni mummy ko hurt nahi karna chahte. Aap sochte ho ki dost to ek baar samajh jayenge, right? Yes, I did not do it because I loved him. So there is no reason कि आपने पहले क्यों नहीं किया और आपने अब क्यों किया, क्योंकि इट्स टाइम वी आर सेपरेटिंग। अभी तो आप बिल्कुल ही लो पे पहुंच गए हो कि आप सेपरेट होते होते भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। सो आई हैड टू एंड आई हैव काविश इन माई लाइफ नाउ, आई हैव सो मच, आई विल टेक द चाइल्ड कस्टडी, आई एम मोर देन हैप्पी। आई डोंट थिंक करण इज इवन इंटरेस्टेड, उसने कभी बोला भी नहीं है। मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे राइट आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन, and I said मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ, and you know I can do all these things, and I said but with a child, a single parent, I will need some basic security for the child, I can't, and उसकी life की हम कितना ecosystem ख़राब करेंगे, हमारा तो जो भी हो रहा है हो रहा है, correct? So he said no, I am too busy, I will leave them leave him with my grand with my mummy papa with his grandparents in Delhi, so I don't know कि इस पे बारे में हमारी कभी डिबेट नहीं हुई। एंड आल्सो ही सेड कि एलिमनी का अमाउंट आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो, ही इज अर्निंग 1 रुपी एंड यू आस्किंग फॉर 3 रुपी। ही इज लाइंग, आई डोंट नो हाउ एल्स टू से दिस, ही इज लाइंग। मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड देन यू टेल मी व्हाटएवर आई एम आस्किंग फॉर इज जस्टिफाइड और नॉट। मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना, आई विल हेल्प यू बिकॉज वी आर एक्टर्स। कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है, पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं, पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार। कम है निशा, मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ। इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए, एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार। और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड इज वेल, क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, इट्स नॉट डन। अच्छा विक्की माई ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई, विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना। All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. But I never ever asked. मैं उससे पूछा भी नहीं, इसने अपना सारे sacrifices कर दिया, and सालों से हमें पता है ये कैसे sacrifice करी है financially. It's not fair, guys. It's not fair. And Rohit is also a witness. Rohit, you wanna say something? And Rohit is also a witness. It's not fair. जो गलत है वो गलत है। We all are there. See, and they all know what the reality is. I hope they do because they are. You know the reality. रोहित आपने कभी निशा के लिए बोला थोड़ा सा रोहित थोड़ा सा निशा एंड मी आर वेरी वेरी क्लोज। इन फैक्ट मैं निशा को आई थिंक 25 साल से जानता हूँ, 25 ईयर से जानता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इनडिफरेंसेस होते हैं, पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है, यू नो सबके बीच में झगड़े होते हैं। करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है, आई यूज़ टू एड्रेस हिम एज फादर। मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए हैं,
मैंने निशा की जर्नी देखी है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूँ कि मेरी फ्रेंड का केस खराब हो जाए, पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे। कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है, यू नो, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्सेप्टेबल। वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो? वो क्या वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी? कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो। जो बिजनेस इसने भी सेट जो सेट किया है, इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं बिकॉज़ आई एम अ विटनेस टू दिस। निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आई एम केपेबल इनफ। ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है। सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वॉन्टेड फ्रॉम करण मेहरा, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले, दैट इज इट। And I had also told him, जब तक वो 12th standard तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी, आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना, और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी। Now these are the smaller details. मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू। तो मैंने क्या गलत बोला? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस। अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ। दैट इज रोजी रोटी, दैट इज मतलब मान लेगी। अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है क्या? कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वॉज रिस्किंग इफ शी हैड टू डू दिस ऑन ओन। उसका सर फट सकता था आधे में, शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट। इट्स शी हैज बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल, ओके? जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके? करण निशा का करियर यहाँ था करियर, यू नो, करण वाज असिस्टिंग एज अ डिजाइनर जहाँ पे इन लोगों की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया। इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना। मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है। इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वॉज गोइंग। पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले। शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं हुआ, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पर अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज। आज लड़कियाँ इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं। निशा वॉज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर, यशराज वॉन्टेड टू साइन हर, but she left her career for him. So that shows the purity of a person, how simple and how what a house maker she is. Isne hamesha Karan papa se bola ki papa bol raha hu, har bola babu sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents, main aapke sath jhopde mein bhi reh lungi. मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ वो। अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह। निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन, बस। इफ दिस इज अ क्राइम, देन दिस इज हर क्राइम। नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन, क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है। शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती। आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी, एंड नहीं था ऐसा पहले, ऐसा नहीं था। 2007 में मैं उनसे मिली थी, 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया। उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था। ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन फोर बंगलोज, बट आई थॉट यू नो इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात करें, गुस्से की बात करें, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के और कोई और सिचुएशन में,
चिपका देते तो ये दिस इज जस्ट वियर्ड. मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती है आई वुड हैव एक्सप्लेन करेक्ट. सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी, हम सब नहीं. दिस इज नॉट एबनॉर्मल. दिस इज नॉट कि ये रोज होता है. दिस इज नॉट दैट. You'll have to cut short because you have to go for your stitches now. Yeah, guys. So I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Yeah. And do thank you all for coming. Thank you very much, guys. Thank you again. Thank you. Thank you. Nisha ji, Nisha, ek photo. Aaja. Bhaiya. एक महिला कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेंट करने के लिए अपने पति के खिलाफ. तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में उनके पति के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और आगे की तहकीकात चल रही है. सर, महिला का बैकग्राउंड क्या है, क्या करती है सर? हाँ, उनका बैकग्राउंड के बारे में अभी हम पता कर रहे डिटेल में. सर, क्या क्या चार्जेस लगाए उनके ऊपर? उनको जो मारपीट हुई है उनको कुछ इन्हें जो जख्मी हुई है उसके हिसाब से हमने सेक्शन एज पर लॉ हमने लगाए हुए हैं और एज पर लॉ हम उनके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं. क्या क्या धाराएं सर? गोरेगांव पोलीस स्टेशनला एका महिला तक्रारदाराने आपल्या पतीच्या विरोधामध्ये तक्रार दिलेली आहे मारहाण झाल्याबद्दल. तर त्या बाबतीमध्ये पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पुढचा तपास सुरू आहे. सर, काय या संदर्भात काय ज्या महिलेला झालेल्या जखमींबाबत त्या अनुषंगाने कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे आम्ही कलमांचे अंतर्भाव त्या गुन्ह्यामध्ये केलेला आहे आणि तिचा तपास आम्ही आता सध्या करू. Namaste and hello, this is Manisha Khadwani and I am a tarot card reader and astrologer and main Nisha ki bahut hi close friend hu, Nisha aur Karan ki. Abhi actually unka FIR chal raha hai upar. Unhone bahut time se hame bola tha ki for us not to be involved kyunki hum bahut time se bahut kuch jante hain, lekin aaj jo kal raat ko hua hai we could not keep quiet as her close friends. Aur main रोहित वर्मा, कश्मीरा शाह, हम लोग यहाँ सब सुबह से निशा के साथ हैं एंड शी विल बी डाउन इन 10 मिनट्स टू एड्रेस यू ऑल रिगार्डिंग एवरीथिंग. लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मैं आपको ये मैसेज पहुँचा दूँ कि एज हर फ्रेंड एंड एज हर फैमिली ये ज़रूर है कि हमसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है. सो वी हैव टू स्पीक अप नाउ. सो अभी तो मैं वो पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, लेकिन निशा आएगी, आपका सब डाउट्स क्लियर करेगी. उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा है तो वो तो आप ऑलरेडी आपको आइडिया होगा. बट आफ्टर ये एक्सीडेंट के बाद आई डोंट थिंक हम लोग शांत बैठ सकते हैं. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर नाउ. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आगे का स्टेटमेंट्स निशा कहेंगी. पूरी तरह से निशा रावल को सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हम लोग यहाँ हैं एंड वो मेरी फ्रेंड है, फैमिली है, मेरी बहन जैसी है, 10-11 साल का रिश्ता है. सो आई एम श्योर यू ऑल आपने सोशल मीडिया पे और इवन पार्टीज इवेंट्स में अगर कोई भी आए हो यू वुड ऑलवेज सी निशा एंड करण अ पार्ट ऑफ माय इवेंट. लेकिन नाउ हम लोग निशा के साइड पे हैं पूरी तरह से. नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो स्टेटमेंट मेरे को बोला गया विदड्रॉ कर विथहोल्ड करने को जब तक निशा आती है. इट्स बेटर निशा टेल्स यू. ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज उनका FIR ऊपर चल रहा है कॉप्स के साथ. FIR लंबा चल रहा है, अभी उनका ख़त्म हो गया है, वो आ जाएगी 5-7 मिनट में नीचे. सो इट इज़ बेटर दैट शी टेल्स एवरीथिंग क्योंकि उनकी कहानी है. थैंक यू. अरुण हट,